अपना काम है, अपना अपना काम लोग करें, हम लोग अपना काम पूर्व विधायक जी आपको फंसाया गया है क्या, इस तरह कोई मामला है क्या? आप तो सब आप लोग से चोरी आते हैं, पाप छिपता है क्या किसी से? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। सासाराम हिंसा में जवाहर प्रसाद को 30 अप्रैल को रिमांड पर ले गया, जिसके बाद आज उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। तब उनसे मीडिया कर्मियों ने ये सवाल किया कि आपको दंगाई बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो देखिए धर्म की राजनीति कर रही है और आपको दंगाई के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इस पर जवाहर प्रसाद का कहना है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मैं इन सभी चीज़ों का जवाब दूंगा। पहले आप सुनिए जवाहर प्रसाद जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। अपना काम है, अपना अपना काम लोग करें, हम लोग अपना काम। पूर्व विधायक जी आपको फंसाया गया है क्या, इस तरह कोई मामला है क्या? आप तो सब आप लोग से चोरी आते हैं, पाप छिपता है क्या किसी से? क्या क्या अगला रणनीति क्या रहेगा? अब तो अगला बार फिर से आने के बाद मैं बताऊंगा। नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहेंगे? अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी आपको दंगाई कहा जा रहा है? हम दंगाई थोड़े हैं, हम भाई तारा चंडी का भक्त हैं। पूरा पार्टी को ही दंगाई बोला जा रहा है। अभी नीरज कुमार भी बोल रहे हैं कि पूरा पार्टी दंगाई है। खुद दंगाई है, हम क्या कहेंगे? हम थोड़े दंगाई है। हम तो आए हैं रिमांड पर, रिमांड पर या दवा लेने के लिए आए थे, दवा लेके फिर जा रहे। सरकार के रवैये पर क्या कहेंगे? उस पर तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी तो रिमांड पर आए हैं उस पर, इसलिए अभी तो उस पर हम कुछ नहीं पढ़ रहे। बढ़ते रहे। जेडीयू का धरना भी था। जेल से आएंगे सारा अनुभव लेके, तब आप लोग से फिर मैं बताऊंगा। जेडीयू का धरना भी था, नीरज कुमार आके धरना दिए हैं। अच्छा है, सबका अपना अपना काम है, अपना अपना काम लोग करें, हम लोग अपना काम करते। पूर्व विधायक जी आपको फंसाया गया है क्या, इस तरह कोई मामला है क्या? आप तो सब आप लोग से चोरी आते हैं, पाप छिपता है क्या किसी से? क्या क्या अगला रणनीति क्या रहेगा? अब तो अगला बार सेल से आने के बाद मैं बताऊंगा। नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहेंगे? अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी आपको दंगाई कहा जा रहा है? हम दंगाई थोड़े हैं, हम भाई तारा चंडी का भक्त हैं। पूरा पार्टी को ही दंगाई बोला जा रहा है। अभी नीरज कुमार भी बोल रहे हैं कि पूरा पार्टी दंगाई है। सासाराम सांप्रदायिक हिंसा मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को मंडल कारा में रिमांड पर ले जाया गया। बता दें कि पिछले महीने की 30 अप्रैल को पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई। इस मामले को लेकर आज जदयू भी सासाराम के समाहरणालय के समक्ष भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम कर रही है। वहीं आज पुलिस पूर्व विधायक को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जेल से आने के बाद जनता के बीच अपनी बात रखेंगे, जो लोग उन्हें दंगाई कह रहे हैं उनको भी वो जवाब देंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि वो दंगाई नहीं है, वह माँ तारा चंडी देवी के भक्त हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जेल में वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। बताते चले कि जवाहर प्रसाद सासाराम से 5 बार विधायक रह चुके हैं। सासाराम में रामनवमी के दौरान हिंसा झड़प मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। सासाराम हिंसे में जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उन पर आरोप लगाया गया है कि सासाराम में जो रामनवमी के मौके पर जो हिंसा हुई थी उसमें जवाहर प्रसाद जो हैं वो मूल रूप से कहीं ना कहीं शामिल है, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर ले जाया गया था। जिसके बाद अब जवाहर प्रसाद ने ये बयान खुद दिया है कि वो जेल के अंदर अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और बाहर निकलने के बाद वो जनता को ये बात बताएंगे किस तरीके से उन्हें फंसाया गया है। साथ ही साथ जब उनसे ये बात पूछी गई कि आपको बाहर दंगाई के रूप में देखा जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं सब चीजें जो है वो जनता के सामने, जनता के पास में रखूंगा और तब मैं बताऊंगा क्या कुछ मेरे साथ हो रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।